बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ बिल्कुल ठीक और अल्लाह ताला आपको रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी रेसिपी जी स्पिनच रैप्स, और चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम स्पिनच रैप बनाने वाले हैं जी। मैं आपके लिए स्पिनच रैप की रेसिपी लेके आई हूँ। ये है उसके इन्ग्रीडियंट्स है कुछ। ये है मेरे पास बंद गोभी है, ये हाफ फूल मैंने लिया था छोटा, और ये चार मेरे पास आलू हैं, और मेरे पास है थोड़े से तकरीबन छोटा कप, ये एक मटर का दाना मैंने बॉयल किया हुआ है, और एक कप है गाजर का, और मेरे पास थोड़े से पत्ते हैं ये पालक के, और है मेरे पास ये मायनीज़ है, ये मायनीज़ जाएगी इसमें, और मेरे पास है चीज़ है, ये ऑप्शन अगर आप डालना चाहें तो डालने, नहीं है तो रहने दें। और ये मेरे पास है जी एक छोटा टीस्पून है एक नमक का, एक है ज़ीरा पाउडर का, और ये क्वार्टर टीस्पून है जी मेरे पास काली मिर्च का, और एक छोटा चम्मच टीस्पून मेरे पास ये सुरख मिर्च का पीसी हुई का, एक है कुटी हुई मिर्च का, और एक कप है मैंने दो कप लेने हैं बेसन के, ये एक कप पड़ा है, दो कप मैंने लेने हैं जी बेसन के, और ये मेरे पास है इसमें से चार टेबल स्पून लूँगी कॉर्नफ्लोर के। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, आलू का हम पहले मैश करेंगे, इसमें एक कप डालेंगे जी हम बंद गोभी, और ये डालेंगे हम मटर और गाजर, और इसमें तकरीबन हम डालेंगे तीन टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम मेयोनीज के जी। अब मैंने जो आपको स्पाइस दिखाई थी वो मैं डालने लगी हूँ, और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये हो गया जी मिक्स अच्छे से, अब हम करते हैं इसको शुरू। अच्छा जी, अब हम तैयार करेंगे स्पिनच रैप्स इस तरह से। थोड़ा सा मैदा रखेंगे, और ये रखेंगे हम चीज़ का पीस रखेंगे यूँ, और इसको हम ऐसे दबा दबा के यूँ करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ हम लगाएंगे इसे टूथपिक्स लगा देंगे ऐसे। आपने कोशिश करनी है कि ये पत्ते आपने एक साइज़ के लेने हैं। अब फिर हम करेंगे यूँ, यहाँ चीज़ रखेंगे, और इसको हम यूँ ऐसे दबा के यूँ 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 और यूँ यूँ हमने इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। जब हमने इसको कोट करना है ना, ये बड़े आराम से ये इसकी गिरफ्त आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम करेंगे जी इसमें ये तीन टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर के, एक कप था मेरे पास मैदे का, और इसमें जाएगी हाफ टी स्पून जाएगी मिर्च, और थोड़ी सी मैंने दो पिंच डाली है जी अजवाइन, और हाफ टी स्पून जाएगा नमक, थोड़ी सी जाएगी कुटी हुई मिर्च। ये कलिए मैं इसे कट कर दूंगी इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका बैटर तैयार करेंगे, और अब हम इसके अंदर और पानी डालेंगे। तकरीबन मैंने एक मग लिया था बड़ा पानी का। ये टेम्परेचर हल्का रखना हमने, और लो मीडियम पे हमने रखनी है। इसी तरह हमने सारे डालते जाने, और आँच हमने हल्की रखनी है, और ज़्यादा आपका गर्म ना हो। इसी तरह हम इसके करते जाएंगे डिप। इन्हें तो हल्का गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मैदा पका हुआ है, और ये पालक के पत्ते को जो इतना टाइम नहीं लगता, इसलिए हमने इसको तो मैं थोड़ा सा गोल्डन अभी और करूँगी। जस्ट इसे तकरीबन चार मिनट लगते हैं जी, हल्की आँच पे इसको चार मिनट लगते हैं। अच्छा, अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे निकालते जाएंगे इसको। आप इस तरह भी बना सकते हैं, खाली पालक के पत्तों को ये बेसन लगा के आपने अच्छे से, मेरे पास थोड़ा सा बेसन बचा था तो मैंने कहा ये थोड़ी सी बना दूँ बस। बहुत कम टाइम लगता है जी इसको, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी लगती हैं, और बन भी झटपट जाते हैं।
अच्छा जी, ये स्पिनच रैप्स हमारे हो गए हैं रेडी ज़बरदस्त, और साथ मैंने ये जो पत्ते बचे उसके मैंने उसको बेसन लगा के फ्राई किया, ये भी बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, और प्लीज़ आप मेरा हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई से नई रेसिपी लेके आऊँ। और मैं अब आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये बहुत टेस्टी ज़बरदस्त हैं। टेस्टी और ऊपर से क्रिस्पी जब बनते हैं उस वक्त बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी होते हैं, बाद में थोड़ा सा ये हो जाते हैं लूज, और बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त हैं। और प्लीज़ आप मेरा हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।